डिस्कस क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1 मींस क्वेश्चन नंबर 2 10। ओके, आज हम लोग 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 to 9 सॉरी 9 तक ही इसमें है, हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, बाकी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो पे। तो एक देखें यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन को पहले आप समझ लें, एनसीईआरटी का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं। आई टेंट ए टेंट इन द शेप ऑफ सिलिंड्रिकल सरमाउंटेड बाई ए कैनिकल टॉप, ठीक है, सरमाउंटेड बाई ए कैनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर। मीन्स आप देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक जो है कॉनिक ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, ऐसा सिलिंड्रिकल पार्ट है, ये सिलिंड्रिकल पार्ट है और ये सरमाउंटेड किससे किया हुआ है, कौन से सरमाउंटेड किया, सरमाउंटेड मतलब उसकी जस्ट ऊपर में, ये आपका सरमाउंटेड किससे किया हुआ है, कौन से किया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेडियस होगा, दोनों का रेडियस सेम दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम द डायमीटर सरमाउंट सिलेंडर सरमाउंटेड बाय, देखिए लिखा हुआ टॉप, समझ लें आप, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, सॉरी कौन, इसका मतलब देख लें आप, सिलेंडर जो है सरमाउंटेड, सर का मतलब ऊपर, ठीक है, सर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, सरमाउंटेड, कभी कभी इसकी जगह में क्या होगा माउंटेड दे सकता है, माउंटेड ये एक अलग चीज़ होता है, ठीक है, माउंटेड अलग है आपका, सरमाउंटेड मतलब जस्ट उस मतलब सिलेंडर के ऊपर में कौन, ठीक है, ये दिया हुआ, ये इस टर्म को जरूर समझेंगे बिकॉज इस टर्म का बहुत यूजेज है आपका यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इसकी रेडियस तो अगर आ रहा होगा, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डाटा दिया हुआ है कि इफ द हाइट ऑफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर, ठीक है, 2.1 मीटर मतलब यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट दिया हुआ है, ये हम लोग हाइट ही लेते हैं, एच इक्वल टू क्या लेते हैं 2.1 मीटर, ठीक है, ये आपका हाइट दिया हुआ है एंड डायमीटर कितना है 4 मीटर, मतलब 4 मीटर डायमीटर है, ये आपका क्या है कितना है, ये आपका 4 मीटर दिया हुआ है। एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप 2.8 मीटर एंड द स्लेंट हाइट जो है दिया हुआ 2.8 मीटर दिया, इसका जो स्लेंट हाइट दिया हुआ कितना है 2.8 मीटर दिया हुआ है। लिखा हुआ है क्या अगले, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है, यूज फॉर द मेकिंग द टेंट, ठीक है, आपको कैनवास का एरिया निकालना है, पहला एरिया ऑफ कैनवास पहला निकालना है कि आपको एरिया ऑफ कैनवास, इसके बाद क्या कैनवास नंबर 2 में क्या करना है इसी को, अगला बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास द टेंट द रेट ऑफ 500 पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट निकालना है, ठीक है, 500 आपका क्या है इसका कॉस्ट कितना, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट दिया हुआ है, इसका टोटल कॉस्ट को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है इस चीज़ को, उसको लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ कौन, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, देख लें रेडियस ऑफ सिलेंडर कौन का वैल्यू कितना होगा आपका, 4 है, तो आर इक्वल टू क्या होगा 4/2 मीन्स 2 मीटर, ठीक है, ये आपका दिया हुआ। हाइट जो है हाइट ऑफ सिलेंडर जो है कितना है, h है, स्मॉल एच इक्वल टू 2 पॉइंट क्या है 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकालना है स्लेट एच, ये जो है हाइट ऑफ कौन है, ये क्या हाइट ऑफ कौन, इसका वैसे यूज नहीं होगा हम लोग को क्या निकालना है, कैनवास के लिए, तो कैनवास जो होगा क्या होगा, नीचे तो लगेगा नहीं इसका, तो यहाँ पे तो लगेगा नहीं, ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग टेंट, ठीक है, टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा, देखें यहाँ पे मेकिंग टेंट इक्वल टू सी एस ए ऑफ कौन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, तो सी एस ए ऑफ कौन क्या होगा आपका पाई आर है, और सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होगा आपका 2 पाई आर h, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लें आप, तो क्या होगा कॉमन आपका यहाँ पे पाई आर कॉमन हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या जाएगा आपका एल प्लस
एल प्लस क्या आ जाएगा आपका टू एच, ठीक है, ये आ जाएगा आपका पाई का वैल्यू। हम लोग 22/7 रखते हैं, पाई का वैल्यू कितना लेना है यहाँ पे, ये 22/7 लेना, ठीक है, 22/7। और एल का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, देखिए एल का वैल्यू क्या है आपका, एल का वैल्यू 2.8 है और एच का वैल्यू कितना है आपका 2.2.1 दिया हुआ, इतना क्या है आपका मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे होगा 22/7 तो नहीं होगा, यहाँ पे 22 ही होगा बिकॉज 7/7 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी आर 7 तो कैंसिल नहीं होगा बिकॉज आर का वैल्यू हम लोग के पास 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44/7 और ये कितना होगा आपका 2.8 प्लस क्या होगा 4. क्या होगा आपका 2 मीटर का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा कितना 44/7 प्लस क्या होगा 8 to 10 4 to 6 1 7, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया तो आपका कितना होगा 44 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितना है आपका 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपीज़। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर क्या 44 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना निकल जाएगा आपका रुपीज 500 × 44, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 4 5 20 4 5 20, तो इतना रुपीज आपका आंसर आ गया। इसी तरह करके हम आपको वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे डायमीटर दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइट ऑफ सिलेंडर दे देते हैं और ये क्या लेते हैं स्लेंट हाइट ऑफ, सो ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे है स्लेंट हाइट ऑफ क्या देते हैं कौन देते हैं, तो आप इसको बना लेंगे 5 मीटर, ठीक है, फिर ये आपका है 6, फिर ये आपका है 7 मीटर, ये 7 है, 4 है, 3 है, नेक्स्ट है आपका 8 है, 5 है, 4 है, नेक्स्ट है 14 है, 7 है और 10, ठीक है, ये आपको बना लेना है, ठीक है, ये एक सिलेंडर दिया हुआ आपका, एक सिलेंडर दिया हुआ ये, ये सिलेंडर है आपका। अगला बोल रहा है कि एक केमिकल कैविटी जो है सेम डायमीटर का जो है सेम हाइट का, ठीक है, सेम हाइट का यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका, और ये सेम हाइट का क्या किया इसको काट के निकाल लिया है, केमिकल कैविटी, सॉरी ये आपका ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा, ये इसको काट के क्या किया है निकाल लिया है, ये आपका जो है काट के इसको निकाल दिया है, ठीक है, ओके, ये केमिकल कैविटी को क्या किया है इसको काट के निकाल लिया है, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि इसका सिलेंड्रिकल हाइट कितना है, सिलेंड्रिकल हाइट यहाँ से कितना दिया हुआ आपका 2.4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, इसके अलावा जो है एंड 2. इसका डायमीटर कितना दिया आपका, डायमीटर कितना इसका 1.4 सेंटीमीटर, दोनों का डायमीटर सेम होगा। इसके बाद पूछा जा रहा है आपको द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, यहाँ पर क्या करना है आपको कि जो टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले आप देखें टोटल सरफेस एरिया में आपको ये समझना है, ये तो इसका कर्व सरफेस एरिया तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इसको तो लेना ही है, जब इसको काट के निकालेंगे तो इसको काट के निकालेंगे इसका शेप भी वैसा बन जाएगा, तो इसका मतलब इसका भी हम लोग को सी एस सी लेना है, ठीक है, इसका सी एस सी प्लस इसका सी एस सी हम लोग दोनों को लेना, बिकॉज ये जो काट के हम लोग उसको निकालेंगे ये शेप उसके अंदर कैसा बन जाएगा, इस शेप का अंदर बन जाएगा, और कर्व सरफेस एरिया इस पार्ट को कहते हैं ये पार्ट को हम लोग को एरिया नहीं लाइन ये लेना, तो ये हम लोग को इस तरह करके हम लोग इसको क्या करेंगे निकाल लेंगे। उसके बाद जो है ये तो आपको क्लियर हो गई, ये सबसे पहले हम लोग को क्या क्या लेना है समझ लेंगे, ये इसका इस पार्ट को लिया जाएगा, इसका लिखा जाएगा ये, फिर इसको भी लिया जाएगा हम लोग को, ठीक है, मतलब इसका हम लोग क्या लेंगे इसका सी एस सी लेंगे, इसको भी ऐड करेंगे जो आपका ऐड होगा, फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे सी एस सी निकालेंगे, और इसका जो हम लोग का बेस जो बचा हुआ है जो, ठीक है, वो बचे जो बचा हुआ उस बेस का हम लोग एरिया भी लेंगे, ठीक है, हम लोग जो
बेस जो बचा हुआ है उसके कुछ का उसका हम लोग बेस का एरिया भी लेंगे, तो इसको भी हम लोग को एरिया को भी लेना है, ठीक है, तभी हम लोग के पास, क्योंकि ये दो शेप का हो जाएगा, ये आपका जो है ये भी बचा हुआ, तो इस शेप का आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या वीडियो दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे दिया हुआ है क्या, लेट यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस ऑफ कौन इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, दोनों का ये वैल्यू आपका इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये दोनों वैल्यू आपका इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू कितना आपका 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, बाय क्या है 2 1.4 बाई 2 है आपका, ठीक है, क्योंकि आपका डायमीटर दिया हुआ है 1.4 जो है आपका डायमीटर है, ठीक है, यस। यहाँ से आर इक्वल टू क्या होगा आपका 1.4, मतलब क्या होगा 1.4 का मतलब होगा 0. कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपका हो गया आर का। अब हम लोग के पास जो है एच जो दिया हुआ है, एच दिया हुआ 2. क्या दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग के पास स्लेंट हाइट निकालना है, ठीक है, स्लेंट हाइट ऑफ कौन क्या होगा, स्लेंट हाइट ऑफ कौन इक्वल टू होगा हम लोग के पास एल इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा एच स्क्वायर प्लस क्या होगा आर स्क्वायर। सो एल इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मीन्स क्या होगा 0.7 का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 2.4 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपका कितना होगा 0.7, मतलब क्या होगा 0.49 प्लस क्या होगा 5.76 इक्वल टू, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, इसको ऐड करते हैं आप 5 होगा, 9 × 4 = 15 होगा और 7 × 4 = 11 क्या होगा 12 होगा और ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 6.25 होगा, ये क्या होगा आपका 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे चाहिए टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, ये आपका वैल्यू आ जाएगा इसमें। तो सी एस ए ऑफ कौन क्या होगा आपका पाई आर एल आएगा, सी एस ए ऑफ कौन सिलेंडर कितना होगा 2πRH होगा और एरिया ऑफ बेस क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर होगा, तो पूरे में कॉमन क्या होगा आपका पाई आर होगा, ये एल होगा, ये क्या होगा आपका 2H होगा और ये क्या होगा आपका आर होगा, ठीक है। सारा वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्या होगा आपका यहाँ पे 22/7 और आर का वैल्यू कितना है, देखिए आप आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.7, तो ये आपका 0.7 होगा। नेक्स्ट आपका एल का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए एल का वैल्यू जो है 2.5, ये आपका 2.5 प्लस 2H, एच का वैल्यू कितना है 2 × 2.4 और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितना है 0.7, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ये तो कट जाएगा आपका, ये कितना होगा 2. क्या बचेगा 2 और ये आपका होगा 2.5 प्लस क्या होगा 4. क्या होगा 8 प्लस क्या होगा 0. क्या होगा 7, इसको आप ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे कितना होगा 7 × 8 = 15 × 5 = 20 होगा और 4 × 2 = 6 = 8 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 2 = 16 × 8 × 2 = 17, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर कितना होगा, इसको नियरेस्ट करेंगे तो 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा आपका। तो इस तरह करके इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। आप नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट में है आपको, इसमें हम कुछ इसमें होमवर्क डाल देते हैं आपको, इसमें जो है आपका रेडियस और हाइट दिया हुआ है आपका, हम दोनों निकाल बताते हैं आपको, एल डी है आपका और ये क्या आपका डायमीटर है और ये आपका दिया हुआ है क्या है हाइट दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा ही आपको दे देते हैं बना लेंगे इसमें। ये आपका जो है 40 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, 3.5 है, ये आपका 5 सिलेंडर, इसका फिगर दिया हुआ है, इसका फिगर ये है, इसको स्कोपिंग मतलब इसको हटा लिया गया, ठीक है, आपका इस तरह का फिगर दिया हुआ आपका, ये फिगर आपका ऐसा दिया हुआ,
इसमें आपका है ये दिल जो आपका दिया हुआ है, इसमें देखें इस चीज को, ठीक है ऐसे की दिया। अब डाटा भी दिया हुआ है क्या कि इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट कितना है सिलेंडर का 10 सेंटीमीटर। उसके बाद लिया हुआ है एंड द बेस रेडियस कितना आपका 3.5, यहाँ पे रेडियस का वैल्यू कितना आपका 3.5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, फाइंड डीएसी ऑफ आर्टिकल, ठीक है डीएसी ऑफ आर्टिकल क्या करना है आपको फाइंड करना है। यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे देखिए, जब इसको इसको निकाल लिया जाएगा मतलब इसको स्कूप किया हुआ है मतलब काट के निकाला हुआ, ये आपका सेप तो वैसा बच ही जाएगा आपका, इसलिए आपको क्या करना होगा सिलेंडर लेना होगा सीएससी, दोनों का सीएससी को ऐड करना है आपको टोटल वैल्यू आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ आपका, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमी स्पेयर, रेडियस ऑफ हेमी स्पेयर, ठीक है ये वैल्यू दोनों का सेम दिया हुआ है। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 3.5 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा आपका सी एस सी ऑफ सिलेंडर प्लस क्या होगा 2 into CSE of hemisphere, ठीक है ये आपका। अब यहाँ पे देखेंगे आप सी एस सी ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा आपका 2πr² और सी एस सी ऑफ सी ये जो हेमिस्फीयर होगा 2πr², तो यहाँ से आप 2r बाहर लेंगे आप, सॉरी 2r हाँ 2πr होगा बाहर, 2πr बाहर होगा तो h होगा यहाँ पे और ये आपका 2 होगा ये आपका r होगा, ठीक है। तो 2 into 22/7 r का वैल्यू कितना देखिए आप 3.5 और h का वैल्यू कितना है आपका 10 और प्लस 2r 2 into 3.5, ठीक है ये दिया हुआ है। इसको कैलकुलेशन करेंगे आप, ये क्या होगा 7.5 से इसको 10 कर देंगे 7.5 से और ये 5 2 10 होगा कंप्लीट हो जाएगा ये 10 पे कितना बचा 22 बचा और नेक्स्ट प्लस क्या होगा 10 प्लस कितना होगा 7, ठीक है 10 प्लस क्या होगा आपका 7 और इसको ऐड कर दें आप 22 प्लस क्या होगा 17 2 क्या होगा 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये वैल्यू आपका 374 सेंटीमीटर आपका टोटल सरफेस एरिया इसका है। तो इसी तरह करके आप बना लेंगे इसका आर है और एच दिया हुआ है यहाँ पे, आर का वैल्यू आपका 14 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट आपका 15 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट 35 सेंटीमीटर है और ये आपका 10 सेंटीमीटर।